भीख, भिखारी और भिखारिन, ये तीन शब्द बुद्ध के समय में नहीं थे, पाली में नहीं है। यानी कि पूरे जितना भी साहित्य है बुद्ध का, जो भी शब्द अब तक बताए हैं बुद्ध ने, उसमें ना भीख है, ना भिखारी है, ना भिखारिन है। ये भीख और भिखारी और भिखारिन शब्द भिक्कू से बने हुए हैं, भिक्कुणी से बने हुए हैं, जो बाद में जब भिक्कू का और भिक्कुणी का सम्मान चला गया तो लोग उनको भिखारी या भिखारिन कहने लगे और भिक्का कहने लगे। क्योंकि जो भिक्कू शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो बना हुआ एक तो भद्द है, भद्द माने होता है बहुत अच्छा व्यक्ति, यानी जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, उसको भद्द बोलते हैं। भद्द पुरुष या भद्द महिला ऐसे करके बोला जाता है, या भद्द नारी या भद्द नर। और दूसरा आता है इसके अंदर अक्खी। अक्खी का मतलब होता है आंख, यानी आंख वाला, अच्छा जो भद्द पुरुष है आंख वाला। अब आंख तो सभी के होती है, मगर यहां जो आंख का मतलब है जो बुराई को और अच्छाई को देखने वाला हो, यानी ऐसी आंख जो परे देख ले, देखने के परे देख ले कि ये जो कर्म कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये अच्छा है या खराब है, जो बात मन में लेके आ रहे हैं वो खराब है या अच्छी है, पाप वाली है या पुण्य वाली है, गुड है या बैड है, उसको अक्खी बोला गया है। और मंतु माने होता है वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छा है, आंख वाला है। तो इस भद्द, अक्खी, मंतु से शॉर्ट फॉर्म में जो शब्द बना उसको बोलते हैं भिक्खु, और मति को बोलते हैं भिक्कुणी, यानी कि अच्छी आंख वाली जो भद्द महिला है उसको बोलते हैं भिक्कुणी। तो भिक्कुणी हो गया और भिक्कू हो गया, ये शब्द वहां से बने हुए हैं। तो पाली के अंदर ना भिखारी है, ना भीख है, ना भिखारिन शब्द है, और ना ऐसा कोई शब्द वहां दुनिया में कहीं आज तक दिखाई दिया, ये शब्द बाद में बने हैं। तो तीन तरह के काम करते हैं ये जो कहते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल टीवी सीरियल चल रहे हैं या जो कहानी आ रही है, जो कविताएं आ रही हैं, जो लोग और बना रहे हैं, जो धम्म के बारे में नहीं जानते, बुद्ध के बारे में नहीं जानते, वो बुद्ध के हाथ में एक कटोरा पकड़ा देते हैं और कटोरा को लेके भिक्कू और वो घूमते रहते हैं। अरे भाई, थोड़ा तो अक्ल लगा लो आप, थोड़ा तो समझ लो, थोड़ा तो पढ़ लो। जब सीरियल बनाते हो, जब स्क्रिप्ट बनाते हो, या अक्ल को पूरा डब्बे में बंद कर देते हो, पर थोड़ा पढ़ो, नहीं तो किसी रिसर्च करा लो, थोड़ा पैसा दे दो। पैसा नहीं देते हो रिसर्च कराने, किसी भिक्कू से रिक्वेस्ट कर लो, वो फ्री में कर देगा। कोई भिक्कू होता है या भगवान बुद्ध का जो भिक्कू संग है या खुद भगवान बुद्ध है, 24 घंटे वो जो पात्र है, जो बर्तन है जिसमें वो खाना खाते हैं, जिसमें वो पिंड लेते हैं, या पिंड पात होता है जिसमें पिंड का दान होता है, वो लेकर नहीं घूमते 24 घंटे। उनके साथ रह सकता है मगर हाथ में लेकर नहीं घूमते कि 24 घंटे चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए। उनके खाने का नियम है, जब सर के ऊपर जब यहां धूप आ जाती है उसके बाद में खाना खाते नहीं है, और उससे पहले खाना लेते हैं, यानी सूरज होगा और लगभग आज का दोपहर का 12 बजे, तो उससे पहले पहले उनको खाना चाहिए, और खाना कभी जिंदगी में मांगते नहीं। ये नियम है, भिक्कू या भिक्कुणी या भगवान बुद्ध कभी आज तक उन्होंने खाना मांगने की याचना ही नहीं की, वो कभी याचना नहीं करते खाने के लिए। उनका नियम है कि वो जाके खड़े हो जाते हैं एक दरवाजे पर जाके, और आराम से खड़े रहते हैं। जब वो जो घर का मालिक है या मालकिन है, जब वो देख लेते हैं, और देखने के बाद भिक्कू को पता चल जाता है, क्योंकि भिक्कू की निगाह नीचे रहती है मगर उसको आभास रहता है कि मैं देखा गया। और अगर देखने के कुछ समय बाद भी अगर उनको कुछ खाने के लिए वो नहीं लेके आते हैं तो वो अगले घर में चले जाते हैं, और अगर वहां खाने के लिए लाते हैं तो उनका जो बर्तन होता है, उस बर्तन में जो वो डालते हैं, उनकी निगाह नीचे रहती है, वो नहीं देखते क्या डाला है, और उसमें डाल देते हैं। जब वो डाल के हट जाते हैं तो उसका वो अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन है उसका, धम्म सिखाते हैं उसके बदले में। जब उसको धम्म सिखा देते हैं, यानी भोजन लिया, धम्म सिखाया, फिर वो देखते हैं कि जो खाना है, भजन से पता चल जाता है खाने का देख के, तो खाना जो मिला है क्या वो सफिशियंट है, क्या वो आगे और मांगने की आवश्यकता तो नहीं है, आगे और जाने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर सफिशियंट है तो वहां से वापस आ जाते हैं, नहीं सफिशियंट है तो अगले दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं। पूरे दिन में 5 से ज्यादा दरवाजे पर खड़े नहीं होते, मिल गया खाना ठीक है, नहीं मिला ठीक है। जब खाना पूरा हो जाता है वापस आ जाते हैं, सारा भिक्कू संघ उस खाने को मिक्स करता है एक साथ, और एक साथ खाता है, और 12 बजे से पहले खा जाते हैं। तो जब 12 बजे से पहले वो खाना खा लेते हैं तो पूरे दिन उसको पात्र को, बर्तन को, कटोरे को लेकर घूमेंगे क्यों? भाई मजाक कर दिया आपने, तो धम्म का इतना बड़ा मजाक बना रखा है। 24 घंटे सीरियल में दिखाते हो कि भगवान बुद्ध चीवर में है और उनके हाथ में कटोरा है, और कटोरा लेके घूम रहे हो जैसे वो भिखारी हैं, जैसे वो,
अरे दुनिया भर का नंबर एक का ज्ञाता जो पूरी दुनिया को धम दान देता है, धम सिखाता है और जो कभी फ्री में नहीं खाता है, वो कटोरा लेके घूमेगा क्या? इतनी बेइज्जती करते हो तुम अपने भारत की, इतनी बेइज्जती करते हो जो ये भारत में इतनी बड़ी शिक्षा है, पूरी दुनिया उसको मानती है, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको लाज नहीं आती, फिर सीख तो लो कम से कम, लॉजिक ही सीख लो। कोई भी आदमी अगर आज की डेट में कोई गरीब भी अगर मांगने आएगा तो क्या 24 घंटे कटोरा लेके खड़ा ही रहेगा, चाहिए 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 चाहिए? कोई कुछ तो सोचो। वो तो पढ़ाने वाले टीचर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, उसको इतना ध्यान नहीं है कि कब खाना खाना है कब नहीं खाना है, खाने का नियम बना रखा है, विनय पिटक के अंदर खाने के नियम बने हुए हैं। तो जो ये भिखारिन और जो भिक्का वाला है, ये जब धम्म चला गया भारत से और धम्म को खत्म किया गया, उसके बाद में लोगों ने उनका चीवर पहन के, उनके कपड़े पहन के और कटोरा लेके घूमने लगे। वो भिक्कू नहीं है, वो भिक्कू के भेष में भिक्कू जैसे और लोग हैं जिनको बाबा बोलते हैं, जिनको संत बोलते हैं, जो 24 घंटे अपना झोला लेके मांगते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। भिक्कू कभी नहीं इकट्ठा करता, भिक्कू कभी नहीं मांगता, भिक्कुनी कभी नहीं इकट्ठी करती। वो आज भी उनका नियम है, अगर वो इस नियम से हटते हैं तो वो ना भिक्कू है ना वो भिक्कुनी है। ये बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तीन बातें हैं, एक तो है भिक्काचर्या। अब भिक्काचर्या क्या है? भिक्काचर्या होता है कि वो जब वो भिक्कू जाता है भिक्काचर्या के लिए, ये भीखचर्या नहीं है, ये ध्यान रखें, और ये पिंडचर्या भी नहीं है, मतलब भोजन मांगने की चर्या भी नहीं है। चर्या का मतलब है जो वो अपना काम करते हैं, जो उस काम करने को चर्या बोलते हैं। तो भिक्काचर्या क्या है? भिक्काचर्या में वो सुबह उठता है, विपस्सना साधना करता है, अपना नहाता धोता है, उसके बाद में जो आसपास एरिया है वहां जाता है, वहां जाके खड़ा होता है, पहले तो वो पिंडदान लेता है, जो पिंडदान उसे मिल जाता है, पिंडदान के बाद में वो पुण्य बोधन करता है और धम्म सिखाता है। ये तो है भिक्काचर्या। और एक होता है भिक्काचर्या, एक होता है भिक्कुचर्या। भिक्काचर्या और भिक्कुचर्या में अंतर है। भिक्काचर्या खाली तब है जब वो गांव जाता है और जाके वो मांगता है, और भिक्कुचर्या जो 24 घंटे में वो काम करता है वो भिक्कुचर्या है। सुबह उठेगा, नहाएगा धोएगा, साधना करेगा, फिर वो अपनी जो भिक्काचर्या है उसमें जाएगा, भिक्काचर्या के बाद आएगा, फिर वो अपना बाकी काम ध्यान साधना में लगाएगा, अपना जो आराम है राम है उसको साफ करेगा, और रात को सनलाइट से पहले वो अपना सब कुछ ठीक करेगा, फिर अपना साधना ध्यान में लगाएगा, अपना दीपक जलाएगा, बाती बनाएगा, अपना कोई काम उसको करना हो, क्योंकि सारे काम वो खुद ही करते हैं तो कोई काम उन्हें करना है वो करेगा। तो ये है पूरी की पूरी भिक्कू की चर्या या भिक्कुनु की चर्या। और एक है पिंडचर्या। पिंडचर्या का मतलब है खाने की चर्या। खाने की चर्या सिर्फ इतनी है कि जब वो भिक्कू भिक्काचर्या में जाता है, उस समय से लेके जब उसको खाना मिलता है, पिंड मिलता है, और पिंड के खाने तक जो काम करता है उसको पिंडचर्या बोलते हैं या पिंडपात बोलते हैं, या पिंड जो दान होता है उसको बोलते हैं। किसी ने पिंड दान दिया वो पिंडचर्या में आता है, उसने पिंड को मिक्स किया, खाया, उसने आपस में बांटा, खाया, बर्तन को धोया, उसके बाद अपने बैग में रख लिया या अपने चीवर में रख लिया, और उसके बाद पिंडचर्या उसकी खत्म हो गई। तो पिंडचर्या बहुत कम समय की होती है, और जो भिक्काचर्या है वो थोड़े ज्यादा समय की होती है, और जो भिक्कुचर्या है वो पूरे दिन की होती है। ये इन चर्याओं में बेसिकली अंतर होते हैं। तो यहां जो एक शब्द आता है भिक्कति, भिक्कति का मतलब भिक्कू भिक्कति, भिक्कू भिक्कति का मतलब है कि भिक्कू अपनी भिक्का की चर्या करता है, या भिक्कू अपने भिरिया के जो उसके भिक्कू वाले जीवन के काम है उनको करता है। भिक्कू भिक्कति का मतलब ये नहीं है कि भिक्कू भिखारी है और वो भीख मांग रहा है और वो कुछ मांग रहा है, यानी भिक्कू भिक्कति नहीं करता 24 घंटे। भिक्कू जो भिक्कति करता है वो 24 घंटे की उसकी अपनी चर्या है, अपना काम है। भिक्कू जीवन में जो भी काम करता है उसको भिक्कति बोलते हैं, कि ये भिक्कति करता है। तो ये जो भिक्कू का जो बताया हुआ है या भिक्कन हो गया उसकी जीवनचर्या का जो नाम है उसको भिक्कन बोलते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इसका प्रतिवाद कीजिए, इसका विरोध कीजिए। अगर भगवान बुद्ध या भिक्कू के हाथ में कोई ऐसा चित्रण करता है, कोई ऐसा पोस्टर बनाता है कि 24 घंटे वो जो पिंडपात है, जो पात्र है जिसको भिक्का पात्र बोलते हैं या जिसको बर्तन बोलते हैं, वो 24 घंटे लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो साधना करते हैं, विपस्सना करते हैं, अपना भिक्कू जीवन जीते हैं, भिक्कति करते हैं पूरे दिन, भिक्कति करते हैं, पिंडपात नहीं करते पूरे दिन। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है,
हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.